बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने काफी बड़ी एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसके माध्यम से यहाँ पे काफी बड़ी अपडेट आ गई है। क्योंकि सीबीएसई के जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं डॉक्टर संयम भरद्वाज, उन्होंने एक ऑफिशियल सर्वे लॉन्च करके इन बातों को बयां किया है, जिसके चलते यहाँ पे काफी बड़ी अपडेट आ गई है। यहाँ पर जितने भी सीआईएससी सीबीएसई या किसी भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए इतनी बड़ी अपडेट आ गई है कि यहाँ पे आप लोगों के पूरे आने वाले एग्जामिनेशन पैटर्न को पूरी तरह से ही उलट पलट कर दिया जाएगा। जी हाँ, जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं अब से काफी डिफरेंटली मॉडल में तैयार किए जा रहे हैं, और एग्जामिनेशन का पूरा जो शेड्यूल है पूरी तरह से अपडेट किया जा रहा है, जिसके माध्यम से जिस प्रकार से एग्जामिनेशन में बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्शन बॉडीज की जो मनमानियां चलती थी वह पूरी तरह से अब ठप हो गई हैं, जिसके चलते यहां पे सीबीएसई के जो हेड हैं, जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं डॉक्टर संयम भरद्वाज, उन्होंने एक ऑफिशियल सर्कुलर लॉन्च करके इन बातों को बोला है कि गवर्नमेंट ने जो जो बातें कन्फर्म की हैं, जो जो बातों की एडवाइजरी जारी की है, उसके रिगार्डिंग हम उन चीज़ों का पालन करने वाले हैं। लेकिन सीआईएससी ने कहीं ना कहीं अपने जिद पे अड़ा है और कोई भी नोटिफिकेशन इस बेस के लिए जारी नहीं किया है, जिसके चलते हम इन बातों को मान सकते हैं कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही अब पूरे बोर्ड एग्जामिनेशन को अपने देश में, अपने इंडिया में कंडक्ट कराया जाएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि यहाँ पे बोर्ड एग्जामिनेशन में जिस प्रकार से कॉपीज की चेकिंग होती थी, जिस प्रकार से नंबर पॉलिसीज चलती थी, या तो बात करूँ जिस प्रकार से बोर्ड एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जाता था, अब उसको अपडेट किया जा रहा है इस पॉलिसी के अंतर्गत। क्योंकि क्या होता था, कभी कभार बोर्ड एग्जामिनेशन में डिफरेंट वाइज स्टेट वाइज बोर्ड एग्जामिनेशन होता था, जिसके चलते स्टेट वालों के नंबर काफ़ी अच्छे जाते थे कंपेयर टू सीबीएसई सीआईएससी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट ने परख स्कीम के साथ साथ यहाँ पे आपके पूरे सिलेबस एग्जामिनेशन पैटर्न को अपडेट कर दिया है। जहाँ तक बात रही आपके पूरे क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है उसको भी यहाँ पे सेपरेट कर दिया गया है, यानी कि अब से आपके क्वेश्चन पेपर का लेवल सेम आएगा, ना कि डिफरेंट आएगा। जी हाँ, क्वेश्चन पेपर अलग अलग रहेंगे, लेकिन जो उसका लेवल है वह एक प्रकार से पूरी तरह से सेम रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इन सभी चीज़ों को कन्फर्म करते हुए ये सब बड़े फैसले को लिया है, जिसके चलते अब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे इसके लिए भी काफ़ी बड़ी अपडेट दे दी गई है। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं आपको बता दूँ, आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन सभी चीज़ों को काफ़ी मैंडेटरी रख के फैसले को लिया है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जामिनेशन जब कंडक्ट होते हैं तो जो बोर्ड एग्जामिनेशन काउंसिल कमेटीज़ हैं वह अपने आगे किसी की नहीं सुनती हैं। आपको याद होगा जो सेमेस्टर वन टर्म वन का एग्जामिनेशन हुआ था, कितने ज़्यादा बच्चे मांग उठा रहे थे कैंसिलेशन की, कोरोना आ गया था, लेकिन काउंसिल ने बात नहीं सुनी थी। यहाँ तक कि बच्चे सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को खारिज कर दिया था और यहाँ पे उनकी बात नहीं मानी गई थी। अगर बात करें टर्म टू की, टर्म टू में भी सेम ही कंडीशन था, कोविड फैल रहा था जिसको ओमिक्रोन नाम से जाना जाता है, काफ़ी ज़्यादा आक्रामक हो गया था, लेकिन फिर भी जो बोर्ड काउंसिल कमेटीज़ हैं उन्होंने बच्चों के हित के बारे में नहीं सोचा था, जिसके चलते अब गवर्नमेंट सख्त हो गई है और न्यू रूल एंड रेगुलेशन के माध्यम से अब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के जो कंडक्शन बॉडीज़ हैं उनको कहीं ना कहीं अपने अंडर में लेके अब बोर्ड एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जाएगा, जिसके चलते यहाँ पे इसके लिए भी काफ़ी बड़ी चीज़ों को अपडेट किया गया है। साथ ही साथ सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर संयम भरद्वाज जी ने एक बातों को जारी करके एडवाइजरी जारी की है कि हाँ, अब गवर्नमेंट की इन बातों को पालन होगा और यहाँ पे पूरे सिलेबस पूरे एग्जामिनेशन पैटर्न को कहीं ना कहीं सेम वे में कंडक्ट कराने की बातों को सामने भी लाया जा रहा है। अब आप लोगों को बताना है कि यह आप लोगों के लिए अच्छा हो रहा है या तो आप लोगों की नज़र में यह अच्छा नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन आपको फेस करना है, एग्जामिनेशन में आपको अपीयर होना है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन काउंसिल कमेटीज़ हैं जो दबाव बनाएंगी वह आपके बेसिस पर ही होगा। आपको और आपके पेरेंट्स को इस बात को जानकारी देना है, इस बात का फैसला लेना है कि यह जो आपके साथ स्कीम हो रही है, जो इस बात को लेकर जो गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की है वह बेटर है कि नहीं है आप लोगों के लिए, इस बात की आप लोगों को ही पुष्टि करनी है। तो कमेंट बॉक्स में इस बारे में आप जानकारी जरूर शेयर करें कि इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ने इन स्कीम के तहत काफ़ी बड़ी योजना का लॉन्च कर दिया है, जिसके चलते यहाँ पे अब आप लोगों के जो नंबर मेकिंग पॉलिसीज़ हैं उस पर भी काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट होते थे उसके चलते यहाँ पे काफ़ी डिफरेंटली वाइज चीज़ों को कंडक्ट कराया जाता था, जिसके चलते यहाँ पे इन सभी चीज़ों के बारे में भी काफ़ी बड़ी जानकारी प्रोवाइड कर दी गई है। एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से बात करें अगर, तो दोस्तों इन्होंने भी बोला था कि दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसले आए थे कि वन नेशन वन सिलेबस कराया जाना चाहिए, जिसके चलते अब कहीं ना कहीं इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली गवर्नमेंट ने इन सभी चीज़ों के चलते काफ़ी बड़ी मांग उठाई थी, डिमांड उठाई थी, जिसके चलते सीबीएसई और सीआईएससी को इन बातों को मानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है सीबीएसई सीआईएससी किसी भी अधिकतर स्टेट बोर्ड की बात करें, हेडक्वार्टर कहीं ना कहीं इनका लोगों का नई दिल्ली में ही रहता है, क्योंकि वह हमारे देश की राजधानी है, देश की कैपिटल है।
जिसके चलते वहीं से सारी चीज़ों का फैसला सुनाया जाता है, जिसके चलते यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्ट्री से इन सभी चीज़ों की वार्तालाप हुई है, बैठक हुई है, जिसके चलते ऐसी जानकारियों को सामने लाया जा रहा है जिनके माध्यम से अब आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन को काफ़ी डिफरेंटली वाइज कंडक्ट कराया जा रहा है। जैसे ही CBSE, CIC किसी भी स्टेट बोर्ड की तरफ से कोई नई इन्फॉर्मेशन लॉन्च होती है, तुरंत ही आपको वीडियो बना के आप तक अपलोड कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, और जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। धन्यवाद।